الهادي تنتظم ضاءت بالمختار ظلم وحلا في مولده النغم هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار ظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الاهدي فقدم الحق अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद आकिर आपके साथ बरिया टाउन कराची से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक खूबसूरत बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का विला जो कि 145 स्क्वायर यार्ड का विला है और एक खूबसूरत लोकेशन के ऊपर बेहतरीन सेमी कॉर्नर और आप देख सकते हैं ये सामने आपके कितने बड़ा रोड आपको मिलता है 80 फुट का रोड है तकरीबन या उससे भी ज़्यादा का ये रोड है। ये भी रोड है और उससे सामने वाला भी रोड है यानी कि आपके घर के सामने रोड और उसके जो बिल्कुल अपोजिट है वो भी रोड और आपके घर के सामने जो है घर की कोई भी घर का दरवाज़ा नहीं खुलने वाला। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल टी के ऊपर मौजूद है यानी ये घर आप जो देख रहे हैं विला देख रहे हैं 145 के स्क्वायर यार्ड्स का। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये अली ब्लॉक के अंदर मौजूद है और सबसे खूबसूरत आपको पता है अली ब्लॉक माना जाता है बेरिया टाउन कराची में 125 स्क्वायर यार्ड्स के विला के एतबार से। ये आप देख सकते हैं सामने ग्रैंड जामा मस्जिद बिल्कुल आप ये देख सकते हैं मेरा राइट के ऊपर ग्रैंड जामा मस्जिद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद मेरे यहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। और इस प्रिसेंट के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ कई अपनी वीडियोज़ के अंदर अपनी कई विलास की रिव्यू के अंदर इस प्रिसेंट के अंदर आपको पार्क भी अवेलेबल है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है मस्जिद भी बन रही है ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और कुछ अरसे में वो ऑपरेशनल भी हो जाएगी और इसी प्रिसेंट के अंदर PSO का पेट्रोल पंप भी है। तो मेरे व्यूअर्स आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है आपने पूरी वीडियो देखनी है आखिर तक जुड़े रहना है ताकि आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस विला के हवाले से आपके साथ हो। यह सेमी कॉर्नर का विला है 145 स्क्वायर यार्ड्स का तो आप ये देख सकते हैं बाहर गार्डन का एरिया कितना बड़ा है ये देख सकते हैं आप और ये कार पोर्च के अलावा भी आपको आउटसाइड एक कार पार्किंग की स्पेस मिलती है। ये चूँकि रोड का है इस वजह से ये आपको सारी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं इस विला के। तो चलें चलते हैं और आपको इस विला का मैं रिव्यू कराता हूँ इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो को प्लीज़ आपने पूरा कंप्लीट देखना है और सब्सक्राइब भी करना है लाइक भी करना है शेयर भी करना है ताकि आपके साथ बरिया टाउन कराची से मैं और मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँ। चलें चलते हैं अंदर से मैं आपको इसका विजिट कराता हूँ व्यूअर जैसे मैं आपके साथ शेयर करता चलें चलते हैं इसका अंदर से विजिट करते हैं। तो चले आए आपको मैं इसका अंदर से विजिट कराता हूँ और ये अब हम कार पोर्च के एरिया में दाखिल हो चुके हैं। कार पोर्च का एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्रांड न्यू विला है और 145 स्क्वायर यार्ड्स का विला है अली ब्लॉक और 80 फुट के वाइडर रोड के ऊपर है और ये राइट के ऊपर आपको स्पेस मिलता है इसके अंदर भी आप अपने कोई क्यारी वगैरह कोई खूबसूरती के लिए पौधे गमले मेंटेन कर सकते हैं। तो चले चलते हैं अंदर आपको मेन अंदर से इसका रिव्यू कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस समय मेन एंट्रेंस पर मौजूद है ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर हम जैसे ही दाखिल होते हैं तो ये लाउंज का एरिया में वेलकम करता है। अच्छा इस घर की खास बात यह कि ये सेमी कॉर्नर है तो आपको सेमी कॉर्नर की वजह से यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा विंडो मिलती है। नॉर्मली आपने जितने घर देखे होंगे जो जनरल घर होते हैं उसके अंदर ऐसी विंडो नहीं होती उसकी रीज़न ये है कि लाउंज के अंदर विंडो इसलिए नहीं होती कि उनके पास सेमी कॉर्नर का एरिया नहीं होता। ये 145 गज का विला भी है जिसके अंदर आपको तकरीबन 20 स्क्वायर यार्ड्स की एक्स्ट्रा लैंड भी मिलती है और ये आप देख सकते हैं ये आपको मैं दिखाऊं ये जो आपको सामने का एरिया मिलता है आपके इस विंडो के बाद ये आपका सेमी कॉर्नर की लाइन है। यहाँ पर आप कम से कम 10 से 15 फुट का एरिया जो आपके पास होता है जिसके अंदर आप अपना गार्डन पूरा एंड टू एंड मेंटेन कर सकते हैं और इस वजह से बेनिफिट होता है इस घर के अंदर कि आपको एक एक्स्ट्रा विंडो मिलती है इस लाउंज की ये खूबसूरती है। तो चले चलते हैं इसका मैं आपको रिव्यू कराता हूँ इसका। ये अब लेफ्ट आप देख सकते हैं ये हम ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हो चुके हैं ये ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम के अंदर भी आपको एक एक्स्ट्रा विंडो मिलती है ड्यू टू सेमी कॉर्नर। सेमी कॉर्नर की वजह से आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा विंडो मिलती है और राइट पर तो आपको पता है सब नॉर्मली फ्रंट साइड पर तो आपको हर घर के अंदर विंडो होती है और ये इस ड्राइंग रूम का एक सेपरेट डोर है जो दिया हुआ है ताकि अगर आपने
अपने गेस्ट को लेके आना सेपरेटली, तो आप उसको यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं ड्रोन को। चलें चलते हैं, आपको मजीद इसका रिव्यू कराता हूँ। आज की वीडियो जबरदस्त होने वाली है, इसकी प्राइस भी बड़ी जबरदस्त है और वो आपको इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। आपने वीडियो के साथ जुड़ा रहना है। ये आप किचन का एरिया देख सकते हैं, किचन का एरिया एक अच्छा बड़े साइज का एरिया है। आप इसके आगे यहाँ काउंटर बना सकते हैं और ये जो आपको इस ओपन स्पेस नजर आ रही है यहाँ पर आप अपना फ्रिज डिफ्रीजर आप यहाँ रख सकते हैं। और जैसे कि नॉर्मली आपको पता है कि ये दरवाजे के बैक के ऊपर जो है आपका वॉशिंग एरिया होता है, ये आप देख सकते हैं दरवाजे के बैक के ऊपर वॉशिंग एरिया होता है। और चले चलते हैं, आपको इसका और मैं मजीद इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इसका पाउडर वॉशरूम है और इसी के साथ ये अब हम इसके जो नीचे के फ्लोर पे एक बेडरूम है उस बेडरूम को मैं आपको विजिट कराता हूँ। आप देख सकते हैं एक अच्छा डिसेंट सा काम हुआ है और अभी से थोड़ी सी कलर का काम रिबन है जो कि इंशाल्लाह जब किसी को हैंड ओवर करेंगे एज पर ऑनर वो फिर उसको जो है करा के देंगे। और ये इसका अटैच बाथ आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बाहर का जो है स्पेस, जो कि एक एक्स्ट्रा स्पेस होती है जो आप वॉशिंग एरिया या किसी भी जरूरत के तहत इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चले चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर का मैं आपको विजिट कराता हूँ, इंशाल्लाह आपको ये घर पसंद आएगा और इसकी प्राइस भी बड़ी रीजनेबल है। ये हम ऊपर के फ्लोर पे आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे हम ऊपर के फ्लोर पे आते हैं तो सबसे पहले हमें एक ये बेडरूम मिलता है। ये एक बेडरूम है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक स्पेस ओपन छोड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप वुडन की एक पूरी वार्डरोब बना सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं बैक पर कितना खूबसूरत व्यू आपको यहाँ से मिलता है। ये सामने ही आपको ग्रैंड जामा मस्जिद बिल्कुल इसका बैक व्यू आपको यहाँ से नजर आएगा। और इसके ये अटैच बाथ है। चले चलते हैं दूसरे बेडरूम का आपको विजिट कराता हूँ। ये इसका दूसरा बेडरूम है। और व्यूअर जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि एज होता है सेमी कॉर्नर का, तो सेमी कॉर्नर में आप की विंडो यहाँ से आपको मिलती है एक अच्छी और एक देख सकते हैं, एक विंडो आपको यहाँ पर भी है और यहाँ से स्पायरल्स स्टेयर्स बनी हुई है ऊपर छत पर जाने के लिए। और इसी के साथ इसके अटैच बाथ है। चले चलते हैं, इस विला के अंदर चार बेड हैं, एक बेड नीचे है और तीन बेड ऊपर, यानी कि टोटल चार बेड की प्लानिंग है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं इसका ये तीसरा बेडरूम है। और ये भी आप देख सकते हैं सामने आपको इसके अंदर भी बड़ी एक विंडो मिलती है फ्रंट साइड में। और इसी के साथ आप देख सकते हैं सेमी कॉर्नर की वजह से आपको एक और विंडो एक्स्ट्रा विंडो यहाँ मिलती है और ताकि ये हवादार रहे और रोशनी आपको मिलती रहे। और ये इसका अटैच बाथ है, आप देख सकते हैं। और ये इसका एक एडिशनल स्पेस है, आप चाहें तो ऊपर भी एक किचन यहाँ बना सकते हैं और नहीं तो आप स्टोर बना सकते हैं, इसको स्पेस अवेलेबल है। और ये इसका टेरेस का एरिया है, ये आप देख सकते एक अच्छा बड़ा टेरेस का एरिया। और सामने आप देख सकते हैं टी है, यहाँ पर आपके घर के सामने कोई घर नहीं है और ये खूबसूरती और व्यू हमेशा मेंटेन रहेगा। और ये घर जो है सेमी कॉर्नर है 145 के स्क्वायर यार्ड्स का और 80 फुट के रोड के ऊपर है और बिल्कुल अली स्क्वायर के साथ है, ग्रैंड जामा मस्जिद के करीब है। और इसकी जो प्राइस है व्यूवर्स, प्राइस इसकी जो डिमांड है 1,45,00,000 रुपए, 145 स्क्वायर यार्ड्स का विला सिर्फ आपको 1,45,00,000 रुपए में मिलता है। और इसके अंदर आप अपनी मर्जी से एडिशन डिलीशन कर सकते हैं जैसे चाहे, इनसाइड आप अपना मर्जी से जो काम कराना चाहें वो करा सकते हैं, आपको इसके अंदर कोई भी
बहरिया की तरफ से कोई ममानियत नहीं है। बाहर के एलिवेशन में कुछ नहीं कर सकते, वो बहरिया की एक SOP उसको मेंटेन करना होती है। अंदर से अपने तमाम डिज़ाइन ड्राइंग को आप अपनी मर्जी से मेंटेन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इसके प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त है, 1,45,00,000 रुपये में ये आपको विला मिलता है बहरिया टाउन कराची में, अली ब्लॉक प्रिसेंट 12 और ग्राउंड प्लस 1, और इसमें 4 बेड है और रोड का विला है, सेमी कॉर्नर है, गार्डन आप देख सकते हैं कितना बड़ा गार्डन है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर आपको मजीद अच्छी और बेहतरीन किस्म की लोकेशन के ऊपर विला का रिव्यू कराऊंगा। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।